हे गाइस, कैसे हो आप लोग? और उम्मीद करता आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे कि प्रोफेशनल लोगो कैसे बनाएंगे एडोब फोटोशॉप की मदद से। जी हाँ, बिल्कुल, मैं आपको बहुत इजी और आसान तरीके से आपको लोगो बना के दिखाऊंगा और स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा कि इसमें कौन सा फॉन्ट यूज़ करना है और कौन कौन से बैकग्राउंड यूज़ करना है, और जिस भी रिक्वायरमेंट जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसकी मैं जिप फाइल एक बना के इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दी और वहाँ से डाउनलोड कर लें। तो चलिए हम आपको स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ बताते हैं, समझाते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक हमारे इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए हम चलते हैं अपने सीधा एडोब फोटोशॉप को ओपन करते हैं और उसके बाद बताते हैं क्या करना है। तो सबसे पहले आपको फोटोशॉप को ओपन करना होगा और ओपन करने के बाद आपको मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक जिप फाइल की लिंक दे दी है, उसको डाउनलोड कर ले। उसके बाद आपको ये बैकग्राउंड और फॉन्ट मिल जाएंगे। और जैसे कि आपको ये कलर, ये वाला फॉन्ट दिखाई, सॉरी ये बैकग्राउंड है, इसको सबसे पहले आपको ओपन करना होगा और ओपन करने के बाद आपको 5x5 में इसको क्रॉप कर लेना होगा, जैसा कि मैंने कर लिया है। और सिंपली उसके बाद आपको करना क्या होगा, उसके बाद आपको न्यू गाइड को खींचना होगा। जैसा कि आप न्यू गाइड पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आपको वर्टिकल एंड जेंटल के आइकन मिल जाएंगे और उसके बाद आपको 2x5 दोनों में भरने के बाद एंटर कर देना होगा। और जैसे ही आप कर दोगे आपकी न्यू गाइडलाइन ओपन हो जाएंगी। ये न्यू गाइडलाइन आपको इसलिए खिंचवा रहा हूँ क्योंकि आपको सेंटर का पता चल जाए। और उसके बाद आपको सिलेक्ट के आइकन पे जाना होगा और उसके बाद आपको दो नंबर का सिलेक्ट दिखाई दे रहा है, इस पर करना होगा सिलेक्ट। और जैसे ही आप सिलेक्ट कर लें उसके बाद सिंपली आपको करना क्या होगा, आपको एक रिंग बनाना होगा, एक सर्कल बनाना होगा, जैसा कि मैं बनाता हूँ। तो आपको गोल सर्कल बनाने के लिए क्या करना होगा, आपको जब एक एग्जैक्ट रिंग बनाना हो तो उसके लिए सिंपली आपको करना क्या होगा, तो उसके लिए आपको करना ये होगा कि आपको माउस को प्रेस करना है और उसके साथ साथ आपको शिफ्ट बटन दाबनी होगी। जैसा कि आप शिफ्ट बटन दाबोगे जो आपका सर्कल है वो इधर उधर नहीं, एकदम करेक्ट रहेगा, एक ही स्क्वायर में रहेगा, जैसा कि मैं बना लेता हूँ। और जैसे ही आपका जो सर्कल है आप एक फिक्स जगह, यानी कि एक एक्चुअल टाइम, मतलब जो आपको लगे कि हाँ मैं अब ये मेरा बिल्कुल प्रॉपर बन चुका है, जैसा कि मेरा अभी ये नहीं बना है। और उसके बाद सिंपली आपको क्या करना है बता देता हूँ। तो सिंपली यहाँ से मैं पहले अपना सर्कल बना लेता हूँ कि जो हमारा स्क्वायर का जो सर्कल रहेगा वो कैसे बनेगा। तो सिंपली मैंने यहाँ से शिफ्ट दबाया और उसके बाद खींचा, और खींचने के बाद मेरा जो सर्कल है ये प्रॉपर बन चुका है। और उसके बाद सिंपली आपको करना क्या होगा, उसके बाद जैसे ही आप सर्कल बना लें उसके बाद आपको कंट्रोल जे दबाना होगा, जैसा कि मैं यहाँ से कीबोर्ड से कंट्रोल जे दबा चुका हूँ। और जैसे ही आप कंट्रोल जे दबाओगे आपकी न्यू लेयर बन जाएगी। और न्यू लेयर बनने के बाद आपको सिंपली करना क्या होगा, तो न्यू लेयर जैसे ही बन जाए उसके बाद आपको सिलेक्ट करना होगा बैकग्राउंड। जैसा कि यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ बैकग्राउंड, और जैसे सिलेक्ट आप बैकग्राउंड करेंगे उसके बाद आपको बैकग्राउंड डिलीट करना होगा। तो बैकग्राउंड डिलीट करने के लिए आपको मैं बता दूं आपको कीबोर्ड से क्या करना होगा, तो आपको अल्ट के साथ L 3 दबाना होगा, अल्ट L L L 3 जैसे ही दबाओगे आपका बैकग्राउंड डिलीट हो जाएगा, जैसा कि मेरा हो चुका। उसके बाद आपको फिर सिलेक्ट वाले आइकन पर क्लिक करना है, यानी सिलेक्ट टूल को लेना होगा। और उसके बाद आपको फिर एक रिंग बनाना होगा, वही सेम प्रोसेस रहेगी, शिफ्ट के साथ आपको इसको ड्रॉ करना होगा। और जैसे ही करोगे उसके बाद आपका जो रिंग है वो एक सही जगह में आ जाए, उसके बाद आपको कर देना होगा डिलीट के बटन पर क्लिक। और जैसे ही आप डिलीट के बटन पर क्लिक करोगे जो आपका रिंग है वो तैयार हो जाएगा, बन जाएगा। और उसके बाद आपको करना क्या होगा, उसके बाद सिंपली आपको करना होगा इसको सेव। तो यहाँ मैं इसको, जैसे मेरा रिंग बन चुका है उसके बाद मैं यहाँ से कर देता हूँ इसको सेव। सेव करने के लिए आपको PSD फाइल में सेव करना होगा, यानी कि ये PSD फाइल में मैं इसको सेव कर देता हूँ। जैसा मेरा ये PSD सेव फाइल में सेव हो जाएगा, उसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, तो सिंपली मेरा जैसा कि मैं PSD फाइल में इसको कोई नाम दे देता हूँ, और उसके बाद जो मेरी फाइल फॉर्मेट रहेगा वो रहेगा PSD। तो यहाँ से मैंने PSD सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद सेम बैकग्राउंड फिर दोबारा हमको रीओपन करना होगा, और रीओपन करने के बाद सिंपली आपको बताता हूँ क्या करना है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे सेव कर दिया, उसके बाद मैं दोबारा रीओपन करता हूँ, और रीओपन करने के बाद आपको यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखना होगा, जो भी आपके पेज या चैनल का टाइटल या सॉरी नाम है उसके 2-3 अक्षर ले ले। जैसे कि मेरे ये पेज का नाम है टैलेंट ऑफ इंडिया, तो मैं यहाँ पे टी लूँगा, ओ लूँगा, आई लूँगा। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिखने के लिए सिंपली आपको ये फॉन्ट को यूज़ करना होगा, वर्मेन करके ये मैंने जिप फाइल में दे दिया। उसके बाद जैसे इसको सिलेक्ट कर लें, और इस फॉन्ट को सिलेक्ट करने के बाद आपको कंट्रोल टी दबाना होगा और बैकग्राउंड पर क्लिक करना होगा। जैसे यहाँ पर मैंने
फॉन्ट को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद कंट्रोल टी दबाई और बैकग्राउंड पे क्लिक कर दिया। और उसके बाद यहाँ पे मैं करूँगा TOI यानी कि टैलेंट ऑफ इंडिया, और उसके बाद जो हमारा ये है इसको मैं कर दूंगा कंट्रोल टी, और टी के बाद जो आप बीच में सेंटर देख पा रहे हो टेक्स्ट पे, ये सेंटर हमें ये वर्टिकल सॉरी ग्रे न्यू गाइडलाइन को इसको मैच कराना होगा, और उसके बाद आपको शिफ्ट और अल्ट के साथ इसको खींचना होगा, और जैसे ही खींचोगे आपको अपने अनुसार इसको सेव कर लेना होगा। जैसा कि मैं सेव कर लेता हूं तो मैं अपने अनुसार इसको इतना रखना चाहूंगा, और जैसे ही आप इसको अपने अकॉर्डिंग जितना रखना चाहें रख लें। और उसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको जाना होगा मैजिक टूल सिलेक्ट करना होगा, और उसके बाद आपने जिस टेक्स्ट जो टेक्स्ट है उस पर कर देना होगा क्लिक। तो मैं यहां से मैजिक टूल सिलेक्ट किया, उसके बाद इस पर क्लिक कर दिया, और उसके बाद शिफ्ट के साथ इस पर भी क्लिक कर दिया। और उसके बाद आपको क्या करना होगा, उसके बाद आपको बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना होगा। जैसा कि मैंने मैजिक टूल के बाद आपको करना ये है कि आपको बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना है, तो सिंपली यहां से मैं बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेता हूं। तो बैकग्राउंड सिलेक्ट करने क्या करना है, लेफ्ट क्लिक करना होगा, बैकग्राउंड सिलेक्ट करना होगा, और उसके बाद आपको दबा देना होगा कंट्रोल जे। जी हाँ, और जैसे आप कंट्रोल जे दबाओगे आपकी फिर न्यू लेयर बन जाएगी, जैसा कि आप बन चुकी है। और उसके बाद आपको क्या करना होगा, उसके बाद जो हमने टेक्स्ट को लिखा है इसको डिलीट कर देना होगा, और डिलीट करने के लिए क्या करना है, तो सिंपली आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा, उसके बाद अल्ट एल 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 तीन बार एल दबाना होगा अल्ट के साथ, और आपके जो भी फाइल है वो डिलीट हो जाएगा। उसके बाद मैंने बैकग्राउंड को भी डिलीट कर दिया, और इसको भी मैं क्या करूँगा, इसको मैंने जो है ये बना लिया, और उसके बाद आप मैंने जो रिंग पहले सेव कराया था PHD फाइल में उसको सिंपली करूँगा ओपन। तो मैं देख लेता हूँ मेरी फाइल कहाँ से ओपन होगी, तो यहाँ पे ये रिंग है मैंने कर लिया इसको ओपन, और इसके बाद आपको कंट्रोल ए करना होगा, और उसके बाद इस पर कर देना होगा कंट्रोल बी, और जैसे ही कंट्रोल बी करोगे जो आपका लोगो है वो आधा बन चुका है, रेडी हो चुका है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग इसको टेक्स्ट को एडजस्ट कर लें, जैसा कि मैं यहाँ शिफ्ट अल्ट के साथ इसको बढ़ाऊँगा, तो जैसा कि मैंने इसको खींच दिया, और जैसे खींचा है उसके बाद जो हमारा ये टेक्स्ट है ये एक प्रॉपर जगह में आ चुका है। अगर इसको आप थोड़ा बहुत मूव करना चाहें तो कर सकते हैं, जैसा कि मैं कर देता हूं। और जैसे ही आप इसको मूव करेंगे तो अपने अनुसार जहां पे इसको रखना चाहें, मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि जो लोगो बनाओगे उसमें आप गाइडलाइन का जो सेंटर पॉइंट देख रहे हो उसको वह सेंटर पॉइंट से ही मैच कराएं, जैसा कि मैंने मैच कराया है। और उसके बाद जो आपका ये है ये भी आपको क्या करना होगा, जैसे ही आप ये कंप्लीट कर ले उसके बाद आपको फिर PHD फाइल में इसको सेव कर देना होगा, जैसा कि मैंने सेव कर रहा हूं। तो यहां पे मैंने फाइल नेम दे दिया, PHD में सेव कर दिया, और सेव करने के बाद सिंपली जैसे ही सेव हो जाए उसके बाद आपको जो मैंने बैकग्राउंड दिखाया था ब्लैक कलर का बैकग्राउंड इसको करना होगा ओपन। तो सिंपली यहां से मैं बैकग्राउंड को भी ओपन कर लेता हूं, और उसके बाद बता देता हूं आपको क्या करना है। तो यहां से मैंने बैकग्राउंड को इसको ओपन कर लिया, उसके बाद कंट्रोल ए किया, फिर कंट्रोल सी किया, और उसके बाद कंट्रोल बी करूंगा उस पे जाके। तो यहां से मैंने इसको कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद यहां पे कंट्रोल ए कॉपी, और उसके बाद यहां कंट्रोल बी कर दूंगा, और कंट्रोल बी के साथ इसको पूरा बढ़ा दूंगा। और बढ़ाने के बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं अभी मेरा टेक्स्ट है कम है, तो कंट्रोल के साथ आपको जो छोटा कोष्टक का आइकन होता है कीबोर्ड में उसको करोगे जो, तो ये बैकग्राउंड पीछे चला जाएगा। और जैसे ये पीछे चला गया उसके बाद आपको क्या करना, तो यहाँ पे आपको जो यहाँ पे साइड दिखाई दे रहा अब इसको डिलीट करना होगा। तो इसको डिलीट करने के लिए क्या करना होगा, आपको मैजिक टूल लेना होगा, और मैजिक टूल लेने के बाद आपको सर्कल पर करना होगा क्लिक, जैसा कि मैं करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले रिंग वाली लेयर को सिलेक्ट किया, और उसके बाद मैजिक टूल से इसको सिलेक्ट कर लेता हूं। और जैसे ही सिलेक्ट किया उसके बाद जो आपका ये प्रॉपर पूरा सिलेक्ट हो जाए उसके बाद सिंपली आपको करना क्या होगा, आपको मैजिक टूल के बाद आपको फिर दूसरा टूल लेना होगा जो कि ये सिलेक्टेड टूल है, इसको भी लेना होगा, और इसके बाद आपको शिफ्ट के साथ आई दबाना होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया, और सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप शिफ्ट के साथ आई दबाओगे आपका जो बाहरी किनारा है वो सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना हो, आपको रेजर को सिलेक्ट करना होगा, जैसे कि मैंने रेजर को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद इसको रेजर कर देना होगा। जैसे ही रेजर करोगे और उसके बाद यहाँ पर रेजर करोगे आपका बैकग्राउंड ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, तो सिंपली आपका जो PNG लोगो है वो लगभग रेडी हो चुका है, और जैसे ही आप अच्छे से इसको सिलेक्ट करके रेजर कर दे, जैसे कि मैं तो मेरा थोड़ा बैकग्राउंड कहीं ज़्यादा रेजर हो गया था तो उसको रेजर कर दे, और रेजर करने के बाद सिंपली आपको क्या करना है, तो जैसे ही रेजर कर दे उसके बाद आपको करना क्या होगा, तो आपको जाना होगा अपने न्यू गाइडलाइन इसको क्लियर कर दे, अगर नहीं क्लियर करना चाहे तो ये भी आपके PNG फाइल में नहीं शो करेगी। तो जैसा कि यहाँ पे मेरा जो PNG लोगो है वो लगभग रेडी हो चुका है, रेडी होने के बाद सिंपली आपको करना क्या होगा, तो आपको करना एज ए सेव, यानी कि आपको सेव करना होगा। सेव करने के लिए सीधा आपको जाना होगा सेव के आइकन पे, और सेव करने के लिए इजी आसान तरीका, आपको यहाँ पे अपना जो भी नाम देना चाहें इस फाइल का नाम दे दें। उसके बाद अब यहाँ पे सेव करना होगा आपको PNG, यहाँ पे मैं PNG फाइल में फाइल फॉर्मेट रखूँगा, और PNG में सेव करने के बाद सिंपली इसको सेव कर दूँगा।
दूंगा। और ये मेरा लोगो लगभग रेडी हो गया और बिल्कुल रेडी हो गया, ये सेव भी हो चुका है दोस्तों। तो इसी तरह आप अगर लोगो बनाने में कोई इशू रहा तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करके जरूर बताएं।